इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस हो और डायरेक्ट स्पीच है। तो इस सिचुएशन में हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। सपोज आपके सामने एग्जांपल है, ही सेड आर यू लाफिंग। अब ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं है, तो ये एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि डायरेक्ट स्पीच भी है। तो अब हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो पहले रूल ये था कि सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क में, चूँकि यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इज एम आर वाला हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया सिंपल इफ, इसके लिए यूज़ किया, ये आपकी चॉइस है आप इफ़ यूज़ करें या वेदर यूज़ करें। और यू को हमने कन्वर्ट कर दिया है आई में इसलिए कन्वर्ट किया, यू हमेशा जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, ही सेट वाला जो हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ये मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। और यहाँ पर जो है सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं हम मी को, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आ गया आई। आंसर में अगर आप गौर करें, ही आस्क इफ आई, एंड आर जो है वो पास्ट इनडेफिनेट का टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट का कोई भी टेंस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है, तो इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। और इसको सिंपल पोजिशन में रखना है, मतलब कि इफ और वेदर लगाने के बाद आपने इसको जो है वो अफर्मेटिव की फॉर्म में ले जाना होता है। ये भी पॉइंट रूल, ये भी इसका एक रूल है और पॉइंट है जो कि जिसको फॉलो करना होता है। तो ही आस्क इफ आई वॉज लाफिंग, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, ही सेड टू मी कैन यू टीच मी इंग्लिश। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इसके साथ साथ जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको हम पैसिव, इसके इनडायरेक्ट में इसको हम चेंज करेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, ही आस्क मी। और क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ जो कि कैन है, तो हम यहाँ पर फिर अगेन अगर WH वर्ड होता तो इफ़ और वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर हम इफ़ प्लेस करेंगे, इफ़ के बाद आगे लिखेंगे इसको, इसकी अफॉर्मेटिव सिचुएशन में लेके जाना है, हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव से रिवर्स करना है, अफॉर्मेटिव की फॉर्म में ले जाना है। कैन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सर्टन चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, और कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई कुड टीच, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है मी जो है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो कि यहाँ पर ही है, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होती है हिम, तो हम मी को हिम में चेंज कर देंगे और एंड पर इंग्लिश आ जाएगा। ये आस्क मी इफ आई कुड टीच हिम इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी सेड टू मी व्हाई आर यू वर्किंग सो लेट एट नाइट, ठीक है। तो अब हमने करना ये है इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सबसे पहले हम सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे, शी आस्क मी। अब ये पॉइंट टू भी नोटेड है, यहाँ पर WH वर्ड आ गया है वाई, तो वाई को हमने एज इट इज़ रहने देना, और यहाँ पर इफ और वेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आर यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा आई में, और क्योंकि एक पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस यहाँ पर लगा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको हमने पास कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। हम बोलेंगे वाई आई वॉज वर्किंग so late at night, बाकी रिमेनिंग पार्ट एज इट इज रहेगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हर जो है सेड टू अगेन आस्क में चेंज हो जाएगा, आई आस्क हर, डिड जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको हम जो है ना इसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनेट का ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में लगता है, और इसके साथ साथ इसको अफॉर्मेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इफ़ के वेदर की आपकी अपनी चॉइस है, इफ़ आ जाएगा, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यू जो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है शी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और इसकी हमने अफॉर्मेटिव कंडीशन राइट करनी है। तो ये हमारा आंसर बनेगा, इफ़ आई आस्क हर इफ़ शी हैड सीन द डॉक्टर डॉक्टर द प्रीवियस डे, येस्टरडे जो है प्रीवियस डे में चेंज हो गया, और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, और थैंक यू सो मच।